नमस्कार दोस्तों, फाइनली हमारे भारतीय कप्तान विराट कोहली भारत के सबसे सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न से सम्मानित हो ही गए। वहीं दूसरे दूसरे एथलीट जिन्होंने खेल रत्न मिला वे थी मीराबाई चानू। दोस्तों 2018 का जो खेल रत्न पुरस्कार है वह दो लोगों को दिया गया, एक तो भारतीय क्रिकेट टीम कप्तान विराट कोहली हैं, जबकि दूसरे भारत की वेट लिफ्टर मीराबाई चानू हैं। आइए देखते हैं हम अब तक कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। सबसे पहले खेल रत्न प्राप्त करने वाले खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद थे, जिन्हें यह पुरस्कार 1991 में दिया गया। यह चेस खेलते हैं। उनके बाद यह पुरस्कार कीत सेट्टी को 1992 में दिया गया था। यह बिलियर्ड्स के काफ़ी महान प्लेयर में से एक हैं। उनके बाद यह पुरस्कार दो लोगों को दिया गया था, पहले कर्नल होमी मोतीवाल और दूसरे गर्ग पुष्पेंद्र कुमार, जो नौकायन याचिंग के गेम से जुड़े हुए थे। 1994 की बात करें तो इस वर्ष कर्नम मल्लेश्वरी, जो कि एक वेटलिफ्टर थी, उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। 1995 की बात करें तो इस साल यह पुरस्कार वेटलिफ्टर कुंजरानी देवी जी को दिया गया। वहीं 1996 की बात करें तो अटलांटा ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के लिए लिएंडर पेस को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1997 की बात करें तो इस वर्ष भारत के गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर को खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। 1998 की बात करें तो इस वर्ष भारत की एथलीट ज्योतिर्मोई सिकंदर को खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। 1999 में यह पुरस्कार भारत के हॉकी कप्तान धनराज पिल्ले जी को प्रदान की गई। उनके बाद 2000 की बात करें तो 2000 ईस्वी में पुलेला गोपीचंद, जो कि अभी भारतीय बैडमिंटन के कोच हैं, उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। 2001 की बात करें तो भारत के एकमात्र व ओलंपिक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता विनव बिंद्रा को दिया गया। वहीं बात 2002 की करें तो इस वर्ष दो खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। उनमें सबसे पहले थे के एम बीनामोल, जो कि एक एथलेटिक्स प्लेयर हैं, जबकि दूसरी प्लेयर जिन्हें खेल रत्न पुरस्कार मिला वे थी अंजलि भागवत, जो एक शूटर रह चुकी हैं। इन्हें 2002 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला। 2003 की बात करें तो इस वर्ष अंजू बॉबी जॉर्ज, जो कि एक एथलेटिक प्लेयर हैं, उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं 2004 की बात करें तो इस वर्ष भारत के वर्तमान खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर को दिया गया। उन्होंने एथेंस ओलंपिक में रजत पदक जीता था। 2005 की बात करें तो इस वर्ष भारत के बिलियर्ड्स प्लेयर पंकज अडवाणी को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया। 2006 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में बात करें तो इस वर्ष मानवजीत सिंह संधू को शूटिंग के लिए यह पुरस्कार प्रदान की गई। वहीं 2007 की बात करें तो इस वर्ष भारतीय टीम के कप्तान रह क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके महेंद्र सिंह धोनी को यह पुरस्कार प्रदान की गई। इसके अगले वर्ष 2008 में यह किसी भी खिलाड़ी को नहीं दिया गया, जबकि 2009 में यह तीन खिलाड़ियों को प्रदान किया गया। उनमें सबसे पहले थी एमसी मैरी कॉम, जिन्होंने भारत को बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक दिलाया था, जबकि दूसरे विजेता थे विजेंद्र सिंह, इन्होंने भी भारत को बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक दिलाया था। और तीसरे एथलीट जिन्हें यह पुरस्कार मिला वह थे रेसलर सुशील कुमार, इन्होंने भी भारत को बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक दिलवाया था। वहीं बात करें 2010 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में तो इस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल को दिया गया था। उनके बाद 2011 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों की बात करें तो इस वर्ष भारत के निशानेबाज गगन नारंग को यह पुरस्कार प्रदान की गई। 2012 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों की बात करें तो इस वर्ष दो खिलाड़ियों को यह पुरस्कार प्रदान की गई। उनमें पहले थे विजय कुमार, जो कि एक शूटिंग प्लेयर हैं, जबकि दूसरे हैं रेसलर योगेश्वर दत्त, जिन्होंने भारत को 2012 के ओलंपिक में कांस्य पदक दिलाया था। जबकि 2013 की बात करें तो यह पुरस्कार रंजन सिंह सोढ़ी, जो कि एक डबल ट्रैप शूटर है, उन्हें यह प्रदान की गई। 2014 की बात करें तो इस वर्ष किसी को भी यह पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया था, जबकि 2015 में यह पुरस्कार सानिया मिर्जा को प्रदान किया गया। 2016 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों की बात करें तो इस वर्ष चार खिलाड़ियों को दिया गया। उनमें सबसे पहले थे पीवी सिंधु, उनके बाद दूसरे नंबर पर जिस खिलाड़ी को दिया गया था वे हैं जिम्नास्टिक प्लेयर दीपा कर्माकर, तीसरे नंबर पर थे भारत के शूटिंग प्लेयर जीतू राय,
जिन्होंने भारत को एशियन गेम्स और राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक दिलाया है, जबकि चौथे एथलीट जो थे वो उन्होंने भारत को रियो ओलंपिक में कांस्य पदक दिलाया था, उनका नाम है साक्षी मल्लिक जो कि एक रेसलर रह चुकी हैं। 2016 में जिन खिलाड़ियों ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया उनको एक ही फ्रेम में यहाँ पर दिखाया जा रहा है। आगे की बात करें 2017 की, तो इस वर्ष भारत के पैरा एथलीट देवेंद्र झाझरिया और भारत के हॉकी कैप्टन सरदारा सिंह दो लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सरदारा सिंह जी हैं जो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से यह पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।